और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज धर्मनगरी पहुंची हैं कुरुक्षेत्र में। यहां राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का विधिवत शुभारंभ करेंगे। इस दौरान राष्ट्रपति मुख्यमंत्री स्वास्थ्य परीक्षण योजना का शुभारंभ भी करेंगी। राष्ट्रपति के साथ हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल मौजूद हैं। बता दें कि आज राष्ट्रपति हरियाणा की एग्जीबिशन का अवलोकन करेंगे और इसके साथ ही हरियाणा की परिवहन विभाग में टिकटिंग व्यवस्था और निरोगी हरियाणा योजना की शुरुआत करेंगी। आज राष्ट्रपति सिरसा जिले के मेडिकल कॉलेज की भी आधारशिला रखेंगी। राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में गीता सेमिनार में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगी और इसके अलावा NIT के दीक्षांत समारोह में भी मुख्य अतिथि के रूप में उन्हें जाना है और फिर शाम को चंडीगढ़ जो कि हरियाणा राजभवन में उनके स्टे का कार्यक्रम है और रात्रि विश्राम होगा हरियाणा राजभवन में। कुरुक्षेत्र चलते हैं, हमारे सहयोगी दर्शन कैत इस वक्त मौजूद हैं। दर्शन, क्या तस्वीरें, क्या है ताजा अपडेट? हाँ जी बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में जो राष्ट्रपति है वो पहुंची है और पहुंचने के बाद उन्होंने यहाँ पर ब्रह्म सरोवर पर गीता यज्ञ पूजन में अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव का वो आगाज किया है। इस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री और राज्यपाल यहाँ पर मौजूद रहे हैं और स्वामी ज्ञानानंद यहाँ पर मौजूद रहे हैं और अभी यहाँ से वो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय निकल गई है और वहां पर जो गीता सेमिनार है उसका उद्घाटन वहां पर करेंगी जी। लेकिन दर्शन, कितनी देर का लगभग ये कार्यक्रम है, कितना समय उन्हें लगेगा यहाँ पर? हाँ जी बिल्कुल, देखिए अगर मैं बात करूँ तो जो ब्रह्म सरोवर का तट है यहाँ पर उन्होंने हवन में शिरकत की है और यहाँ पर जो बात करें तो यहाँ से जो पवेलियम था जो मध्य प्रदेश का उसका उद्घाटन किया है। अभी वो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में निकल चुकी है और वहां पर जो गीता सेमिनार है उसका उद्घाटन करेगी। उसके बाद वो NIT में जाकर छात्र छात्राओं को डिग्री बांटेगी। अगर बात करें तो शाम को लगभग 3 बजे तक कुरुक्षेत्र में रुकेंगी जी। कौन कौन लोग पहुंचे हैं अभी जी, सवाल दोबारा करिए। दर्शन, कौन कौन पहुंचे हैं अभी इस कार्यक्रम में, राष्ट्रपति के जो ये उद्घाटन कार्यक्रम किया जाएगा वहां पर कौन कौन लोग मौजूद रहेंगे, अभी कौन कौन पहुंच गए, कितनी देर में शुरू होगा? जी बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं अगर मैं बात करूं तो हरियाणा के मुख्यमंत्री और हरियाणा के राज्यपाल साथ में और कई यहाँ से मंत्री जो बात करें साथ में, पूरा प्रशासन यहाँ पर साथ में, पूरा प्रशासन अलर्ट पर है और चप्पे चप्पे पर यहाँ पर पुलिस तैनात कर दी गई है। और अभी यूनिवर्सिटी में जो है गीता सेमिनार है उसका उद्घाटन वहां पर होगा, उसके बाद NIT का होगा, उसके बाद जो इंटरनेस गेस्ट हाउस है उसमें रुकने के बाद चंडीगढ़ के रवाना होंगी जी। बहुत शुक्रिया दर्शन आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको जो दिखा रहे हैं, दरअसल ये गीता महोत्सव का विधिवत शुभारंभ करने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची हैं और इस कार्यक्रम में उनके साथ आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय वहां पर पहुंचे हुए हैं और साथ साथ जो पहले विधिवत पूजन कार्यक्रम हुआ ब्रह्म सरोवर के तट पर, वहाँ राष्ट्रपति के हाथों पूजा करवाई गई, संकल्प करवाया गया और आगे उसके बाद राष्ट्रपति का जो कार्यक्रम है तय प्रोटोकॉल के अनुसार वो वहाँ पहुँची। मुख्यमंत्री मनोहर लाल, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और कई अन्य गणमान्य वहाँ मौजूद रहे। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कुरुक्षेत्र दौरे को लेकर ये तस्वीरें, पहली बार राष्ट्रपति बनने के बाद हरियाणा या कुरुक्षेत्र के दौरे पर वो आई हैं और एक ख़ास मौका इस बार जो अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव, मनोहर सरकार में गीता जयंती महोत्सव की जो विशेषता है, जो भव्यता है वो एक अलग स्तर पर होती है और इस बार इसकी भव्यता का जो अवलोकन है वो करने का मौका लोगों को मिल रहा है और इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी हिस्सा लेने के लिए पहुंची। इनकी इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत उन्होंने की, कई अलग अलग जो मौक़ों पर वो जो तस्वीरें सामने आई वो हम आपको दिखा रहे हैं।